बड़ी खबर लोकसभा चुनाव के तीसरे दौर से जुड़ी हुई है। प्रचार युद्ध तेज हो गया है। आज भी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए रैलियों के जरिए जन समर्थन जुटाएंगे। आज कर्नाटक में पीएम मोदी की 4 रैलियां होनी है। आज ओडिशा दमन दीव में राहुल गांधी भी गरजेंगे। उत्तर प्रदेश में अमित शाह, बंगाल ओडिशा में नड्डा कमांड संभालेंगे, वहां से हुंकार भरेंगे। तो आज देखिए कितना अलग अलग हिस्सों में तमाम बड़े दिग्गज जोर लगाते हैं। ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अमित शाह यूपी के अलग अलग हिस्सों में रहेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे। बंगाल ओडिशा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। राहुल गांधी भी आज मैदान में उतरेंगे और वो भी अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। योगी आदित्यनाथ भी आज यूपी के अलग अलग हिस्सों में मोर्चा संभालेंगे और साथ ही अखिलेश यादव कुंदर की बिलारी मुरादाबाद में और संभल में वो रैली आज करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल एक और दिल्ली में लगातार जोर लगा रही है। कल पूर्वी दिल्ली में रोड शो किया और आज वो वेस्ट दिल्ली में रोड शो करके अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए आशीर्वाद मांगेंगी। तो ये तस्वीरें आज अलग अलग हिस्सों में तमाम बड़े दिग्गज रहने वाले हैं। तीसरे चरण के लिए किस तरीके से जोर लगा रहे हैं दिग्गज, वो आप देख पाएंगे आज दिन भर। देखिए पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सुनीता केजरीवाल अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। देखिए कौन सा दिग्गज नेता आज कहां हुंकार भरेगा, आपको विस्तार से हम जानकारी देते हैं। ये देखिए कहां कहां पर आज बड़े दिग्गज रहने वाले हैं। पीएम मोदी देखिए आज 11 बजे बेलगावी में उनकी सभा होगी, उसके बाद 1 बजे उत्तर कन्नड़ वो जाएंगे, वहां पर भी उनकी सभा होनी है। 3 बजे दावणगेरे में उनकी सभा होगी और फिर शाम को 5 बजे बेल्लारी में जनसभा करते हुए पीएम मोदी आपको नजर आएंगे। और इसके अलावा गृहमंत्री अमित शाह आप देखिए 12 बजे का वक्त है कासगंज में यूपी के, वो प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे। उसके बाद 1:30 बजे का वक्त है मैनपुरी में उनकी रैली होनी है और फिर 3 बजे इटावा में वो गरजेंगे, वहां से हुंकार भरेंगे, अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश गृहमंत्री करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे वो बहरामपुर पश्चिम बंगाल में होंगे, वहां पर उनकी सभा होने वाली है। 2:35 पर नादिया पश्चिम बंगाल में ही उनकी रैली होनी है और शाम को 5:50 पर तकरीबन 6 बजे के आसपास गंजम ओडिशा में उनकी रैली होने वाली है, वहां पर वो अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज कहां पर रहेंगे, देखिए 12:05 के आसपास का वक्त है बरेली में वो पहुंचने वाले हैं, वहां पर उनकी रैली होगी। और 1:30 बजे का वक्त है बदायूं वो पहुंचेंगे, वहां पर भी उनकी सभा होनी है। 3:05 पर एटा में पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर उनकी रैली आज होगी। और बड़े दिग्गज कांग्रेस नेता, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज 12 बजे का वक्त है केंद्रपाड़ा ओडिशा में उनकी रैली होने वाली है और शाम को 4 बजे दमन दीव में रैली करते हुए राहुल गांधी आपको नजर आएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 बजे का वक्त है कुंदर की बिलारी मुरादाबाद में उनकी सभा होने वाली है, वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए वोट की अपील। और आ जाइए दिल्ली, सुनीता केजरीवाल दिल्ली के सीएम और आपके स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, तो सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला हुआ है। शाम को 5 बजे पश्चिमी दिल्ली में वो आज रोड शो करती हुई आपको नजर आएंगी। कल पूर्वी दिल्ली में रोड शो किया था और आज वेस्ट दिल्ली में वो प्रचार करेंगे। और बड़ी खबर आपको हम दे दें, आज कर्नाटक में पीएम मोदी की मेगा रैलियां होने वाली हैं। कर्नाटक के बेलगाम पहुंचे पीएम मोदी, जानकारी ये सामने आ रही है। आज कर्नाटक में 4 रैलियां पीएम मोदी की होने वाली हैं। बेलगावी, नॉर्थ कन्नड़, दावणगेरे में रैली करते हुए पीएम मोदी आज के दिन नजर आएंगे। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, पीएम मोदी कर्नाटक पहुंच चुके हैं। कर्नाटक के बेलगाम पहुंचे पीएम मोदी और वहां पर देखिए 4 रैलियां उनकी होनी है बैक टू बैक, बेलगावी, नॉर्थ कन्नड़ में, उसके बाद दावणगेरे में और फिर बेल्लारी में उनकी रैली होगी। और देखिए एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, तीसरे दौर के लिए सभी पार्टियों ने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। इसके साथ ही जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने कांग्रेस समेत पूरे इंडिया अलायंस को जमकर निशाने पर लिया। कांग्रेस ने राम को ठुकराया, पीएम मोदी ने यह कहा, और साथ ही साथ विपक्ष देश विरोधी हथकंडा अपना रहा है, इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी ने किया।
और कांग्रेस के साथ साथ उन्होंने पूरे इंडिया अलायंस को चपेट में लिया। उन्होंने सभी पर बारी बारी से हमला भी बोला। कांग्रेस ने राम को ठुकराया इस बात का जिक्र करते हुए, और इंडिया अलायंस ने सेल्फ गोल कर दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा, दूसरे दौर के मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष देश विरोधी हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, कांग्रेस ने प्रभु राम का अपमान किया। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस वालों ने खुलकर देश विरोधी एजेंडा और तुष्टीकरण के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा हुआ। दशकों तक राम मंदिर को बनने से रोकने वाली कांग्रेस ने उसका भी बहिष्कार किया। क्या कोई कभी प्रभु राम के दरबार में जाने का निमंत्रण ठुकरा सकता है क्या? कांग्रेस और उसके साथी हर तरफ देश में नेगेटिविटी फैलाने में जुटे हैं। देश का संविधान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। कांग्रेस की यही सोच है जिसके कारण 70 साल तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बना रहा। आपके एक वोट ने आर्टिकल 370 को जमीन के भीतर दफना दिया। दोस्तों, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए खतरनाक खेल में जुटी है। कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी के हक में से एक हिस्सा अपने वोट बैंक को देना चाहती है। कांग्रेस का प्लान आपकी संपत्ति पर 55% टैक्स लगाने का है। कांग्रेस आपकी संपत्ति की जांच करके उसे अपने वोट बैंक में बांटना चाहती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।